बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और चौधरी अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे पंजाब में ये मुकाबले लड़ चुके हैं कबूतर परवरी के उड़ान के, और ज़्यादा तादाद जो इनको इनकी जो है मुकाबले विन करने की है। अभी बता रहे थे जी कि पिछले जेठ में इन्होंने 38 जो छतें थीं उस मुकाबले में हिस्सा लिया, 34 को जीत लिया, और इस जेठ में 17 थी जी उसमें से कितनी 14 जीती हैं, 14 14 को विन किया है। और वो किस तरह विन किया है उसकी सबसे बड़ी वजह आपको बताते हैं कि ये कबूतर हैं जो हमारे हाथ में हैं, ये उनका अपना ब्रीडिंग सेटअप है और इसमें ये परिंदे रखे हुए हैं, ये आपको दोनों नारे हैं उन्हीं का शौक करवाने लगे हैं। ये मेरे हाथ में 5 नंबर टैडी है जी और चौधरी अजहर साहब के हाथ में है, ये 31 नंबर है। इनकी क्या परफॉर्मेंस है? इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। 2-3-4 दिन में बच्चे शाम शाम तक इनके बैठते हैं और इनको अंधेरे में लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये बैठ जाते हैं। अंधेरे में इनके अंदर कुदरती हाँ जी, सलाहियत है। कुदरती इनको रात को नज़र आता है, ये बैठ जाते हैं। अच्छा, ये इनकी दूसरों से बेहतर है? बहुत इनको ज़्यादा नज़र आता है उनसे बेहतर। इनकी आँखों में रोशनाई है, चमक है, उस वजह से ये रात को इसकी बैठ जाते आंखें हैं। दिखाएं जी, ये लेंस दिखाते हैं आँख का कि जो रात को बैठ जाते हैं। ये जी वो आंखें हैं, अजहर साहब बता रहे हैं कि इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है ये रात को बिठाने के लिए। जी सर, बताएं आप कि ये इसको क्यों ज़रूरत नहीं है रात को ट्रेनिंग इनकी की? आंखों में चमक बहुत ज़्यादा है, रोशनाई है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो बात है, आम कबूतरों पे रात को नूर अंधेरे में फैल जाता है, इनका नूर जो है वो जो होता है वो ही रहता है, फैलता नहीं है। कम है फैलता है? अच्छा, बिल्कुल नहीं फैलता। जिन कबूतरों का रात को नूर फैल जाता है ना, तो वो नहीं अंधेरे में बैठ नहीं सकते, इनका नूर नहीं फैलता। ये जी ये इसकी आंखें देखें देखें, उसमें मूवमेंट है। इसका जो कॉर्निया काला हिस्सा जिसे नूर कहते हैं कबूतर पर, वो इसका देखें सिकुड़ रहा है, थोड़ा सा फैल रहा है, थोड़ा सा सिकुड़ रहा है। और इसके इर्द गिर्द रिंग देखें, आंखों के ज़र्रे देखें, आंखों के रिंग ज़बरदस्त रिंग हैं, ये पुतलियाँ जो उन पे वो ज़बरदस्त है, हर लिहाज से बड़ी नफासत है इन परिंदों में जी। ये थोड़ा सा खोलें जी इसको, जूम सारा चेहरा दिखाते हैं, ये साथ चूँच भी देखें इनकी, ये नथने देखें इनके, और ये बच्चा जो इनका छोटी कलियों में 2-3 कली का बच्चा, वो अजहर साहब बता रहे हैं कि तीसरी 3 दिन उड़ाएं तो चौथे दिन ये रात को अंधेरे में बैठना शुरू हो जाते हैं ये। और बिला वजह नहीं किसी नस्ल का नाम जो मशहूर होता है पूरी दुनिया में, कोई वजह होती है, और यही वजह है कि इन्हीं परिंदों के साथ जो है वो अजहर साहब मुकाबले भी जीतते हैं, बिला खौफ पूरे पंजाब के साथ खेल लेते हैं, शौक कर लेते हैं, वो जीतते भी हैं। एवरेज इनकी ज़्यादा है, कोई समझ लें कि 80% भी कह सकते हैं हम, जिस तरह इन्होंने बताया कि 38 में से 34 जीत ली, जिनमें बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े मशहूर उसाज़ा कराम के नाम थे जिन्हें इन्होंने जीता है, जिनसे मुकाबले जीते हैं। ये जी नारे एक, और दूसरा नार भी आपको दिखाते हैं जी। ये पहले इसके आपको पार दिखा लें, ये जी ये देखें इसके पार, बड़ी ताकत से खोलना पड़ रहा है इसका बाजू, ये देखें वापस खींच लेता है हाथ से, पूरा मजबूत जिसमें है और ताकत है इसके बदन में। बगल देखें इसकी कैसी ज़बरदस्त है, ऊपर दुम तक, दुमची से पीछे तक गई हुई है बगल, चौड़ी बगल है, और पर भी इसके चौड़े हैं और लंबे हैं, बाजू भी लंबे हैं इसके। ये 5 नंबर टैडी था जी। इसकी हड्डी जो है बड़ी कमाल की हड्डी है, कश्ती जो है इसकी कश्ती की तरह, और
अंदर को खम खा रही है, जा रही है, जोड़ ऊंचा है उससे, बंद जोड़ है, तकरीबन बंद जोड़ है, ऊंचा है उससे, हड्डी से हड्डी अंदर को जा रही है, पेट एक उंगली है, थोड़ा मुतनासब जिस्म है, इसका वेट कोई नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कपड़ा लकड़ी के ऊपर जो लपेट के पकड़ा हुआ है किसी। और ये इसका वैसे देखें आप, कलर देखें, ये पांच नंबर टैडी। अब आपको दिखाते हैं जी ये कौन सा है, 31 नंबर। ये 31 नंबर है जी, इसको छोड़ देते हैं अब, ये पकड़ें, ये है जी 31 नंबर टैडी, बड़ा खूबसूरत परिंदा है जी, ये भी नार है जी, जी ये इसकी आँख ही पहले शुरू करते हैं। चोई साहब इसका 31 नंबर का क्या रिजल्ट आता है जी? बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये एक बड़ा मखसूस नंबर है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। जी बहुत देखें कम लोगों के पास है 31 नंबर। ये इनके जर्रे देखें आंखों के, देखिए जी आंखों का कॉर्निया देखें, जो चमक होती है गहराई और नमी आंखों में, और रिंग भी नज़र आ रहे हैं इनके, ये देखें ये चीज़ होती है, अच्छा लेंस जो होता है उसकी ये पहचान होती है, और ज़र्रात देखें इसके सारे बाहर की तरफ फैल रहे हैं ऊपर की तरफ, जो ज़र्रात नीचे की तरफ आ रहे होते हैं काले हिस्से की तरफ, वो उसाज़ा कराम कहते हैं जी, वो परिंदा अच्छा नहीं होता, जिसकी लहरों की तरह अंदर से बाहर को जा रहे होते हैं बड़े रिंग की तरफ, वो ज़रात बड़े ज़बरदस्त होते हैं, उनमें परवाज़ बहुत होती है उन परिंदों में, और ये इसके ज़रात भी उसी तरह ही जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो बड़ा मुतनासब आँख है सारी की सारी, ये जी पलकें भी इसकी, वो बड़ी, ये देखें जी पार भी देखें इसके, ये जी परिंदों का आपको शौक करवाया, ये जो करवा रहे हैं ये इसके पार देखें, ये परिंदे हैं जी जिन्होंने पंजाब जीता हुआ है पूरा, कह सकते हैं जी हम जी अजहर सर कि बिल्कुल बिल्कुल। ये विनर हैं, पंजाब के विनर परिंदे हैं, ये पूरे पंजाब से जीतने वाले परिंदे हैं और रिकॉर्ड में है ये, क्योंकि जब इस लेवल पे मुकाबले होते हैं जिसमें पंजाब होता है या बड़े उस्ताज़ा कराम होते हैं, फिर ये पूरे का पूरा जो है वो रिकॉर्ड होता है उनका, रिकॉर्ड में होते हैं, परिंदे भी होते हैं, और उसमें कोई इस तरह के चांसेस भी नहीं होते कि कोई बेईमानी हो जाए, ये होता है 1-to-1 मुकाबलों में अक्सर शिकायत आती हैं, इसकी बाहर वाली कलियाँ देखें तीनों तकरीबन बराबर जा रही हैं, 1-to-1 मुकाबलों में अक्सर शिकायत होती हैं जी, लेकिन इस लेवल पे उसका नहीं होता, ये देखें पार अंदर दिखाएं, ये पार एक लासदार पार है इसके, ये देखें सारे, ये इसका भी जी बाजू बिल्कुल गोश्त नहीं है ऊपर, माथा भी देखें इसका बल्ला माथा है, 31 नंबर टैडी, और ये अजहर साहब बता रहे हैं जी ये बहुत कम लोगों के पास हैं, ये नहीं है आम लोगों के पास, बड़े ज़बरदस्त नायाब परिंदे हैं जी आज, बड़ा अजहर साहब आपके परिंदे देखने का बड़ा मज़ा आया जी, शौक करने का, और मुझे उम्मीद है कि तमाम जो दूसरे दोस्त देख रहे हैं परिंदे, जो शौक कर रहे हैं हमारे साथ, उन्हें भी अच्छा महसूस होगा, तो अगली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं आपसे जी, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।